So I've been looking for some skincare products lately and it's very essential to take care of your skin and eat healthy as well. Then I came to know about this Cure Skin app, which is a dermatologist app that helps you deal with your skin and hair problem with the help of AI. Here you can get treatment for both hair and skin as well. And I was looking for skin products. So basically what you have to do is download the app from Play Store or App Store, which is totally free. And once you have downloaded the app, choose the skin option. The app will present you with some problems and choose whichever problem you are dealing with. Could be acne, dry skin or whatever. After that, the AI will connect you with the doctor. Then doctor will ask you some questions regarding the same and then will ask you to take a photo of both sides of your face, which will allow the scanning feature to detect marks and spots to understand your problem better. And after listening to your problem, the doctor creates your own customized skincare kit according to your issues. और फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर किट विच इज़ 1499 एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ फ्री. एंड ऑल्सो यू आर फ्री टू चूज किट अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड प्रॉब्लम्स. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपको ऐप में इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट्स, डाइट टिप्स सब मिल जाएगा. आई गॉट माइन एंड विल डू द स्किन केयर लेटर इन द वीडियो. Good morning everyone, I hope you all are doing great and today it's Tuesday or abhi time hai 6:30. So I'm gonna start my day with coconut water and I'm gonna read this book which is very old. Matlab ye book meri sabse pehle maine buy ki thi एंड आज मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ फिर से. लाइक मैंने सोचा कि पहले मेरी ओल्ड सब फिनिश हो जाएं, फिर ही मैं आगे कुछ नया खरीदूँगी बुक्स में. सो अभी मैं ये वाली बुक रीड करूँगी हाफ एन आवर एंड देन थोड़ा योगा वगैरह स्ट्रेचिंग करूँगी एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज़. अभी हो गए 7:30. मैंने अपना थोड़ा योगा वगैरह वॉक वगैरह की थी और मैं रीडिंग कर चुकी हूँ. अभी मैं थोड़ी देर एडिटोरियल करूँगी अपना इंग्लिश वाला एंड देन आई विल टेक शावर एंड गेट रेडी फॉर द डे. Time to do some skincare now. So first we have this face wash, a gentle cleanse face wash which will exfoliate and refreshes my skin. And then I got this clear cream which helps in skin brightening. And then I'm gonna apply this barrier restructure cream which will help my skin in proper nourishment. And lastly, I'll wrap it up with the sunscreen which is the most important part of skincare. Also, if you're planning to get yourself customized skincare kit from Cure Skin app, then don't forget to apply my coupon code MANSI100 to get 100% off on your order. सो करंटली इट्स 9 और अब मैं अपना स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी रिविज़न
एंड मेरा अभी तक एडिटोरियल हो चुका है, रीडिंग हो चुकी है एंड आई एम डन विद माय स्किन केयर. सो अब मेनली होगा स्टडी सेशन, जो कि लाइक मैं बहुत कम ब्रेक्स लेने वाली हूँ, 5 मिनट्स के ब्रेक होंगे बीच में. तो अभी मुझे 3 चीज़ें करनी है, अपना बायोलॉजी का चैप्टर, इंग्लिश में आर्टिकल चैप्टर रिवाइज करना है एंड देन मैं पर मार का वीडियो करूँगी, जो मैं 7th लेक्चर पे हूँ अभी, तो मैं वो वाला कंप्लीट करूँगी. सो अभी के लिए ये होगा और मेरा ये सब लंच टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरा लाइक 3 to 4 hours का सेशन एक कंप्लीट हो जाएगा स्टडी का. तो क्या हुआ, लंच करने के बाद मैं सो गई थी, मुझे टाइम का पता नहीं चला एंड जब मैं उठी तो थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि चलो थोड़ा सा पार्क चल लेती हूँ मैं और थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी, नींद भी खुल जाएगी और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था. सो आई थॉट कि पार्क जाते हैं. और फिर मैं कर ही रही थी वॉक और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई एंड बारिश ही नहीं, अब बर्फ़ के गोले गिरने लगे. लिटरली मेरी पूरी बालकनी भर गई थी और मैं सोच रही थी जब बर्फ़ के गोले पड़ रहे थे, मुझे लगा कि फ्रिज में तो बर्फ़ है नहीं, क्योंकि क्या हुआ, जैसे जब बारिश आने वाली होती है तो हमारे यहाँ पे ना पावर कट हो जाता है लाइक बहुत लंबे आवर्स तक, तो 3 to 4 hours से ज़्यादा हो गया था और लाइट नहीं थी. सो फ्रिज में बर्फ़ तो मेल्ट हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक जब ये बर्फ़ के गोले गिर रहे थे कि कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ इन्हीं से. जस्ट किडिंग, मैंने कोई आइस कॉफ़ी नहीं बनाई इनसे
और फिर मैंने अपना स्टार्ट किया रीजनिंग का सेशन। तो मैंने 50-60 अराउंड, ज़्यादा तो नहीं पर 50-60 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने ब्लड रिलेशन वाले, मेरी थोड़ी गड़बड़ रह जाती है उनमें इसलिए। और उसके बाद मैंने अपना किया था मैथ्स। सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर। तो मैंने सोचा कि मैं सेवियाँ बनाऊँगी नमकीन वाली, बट क्या हुआ सब गड़बड़ हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं ज़्यादातर अपनी फ्रेंड के घर ही खाती हूँ सेवियाँ, लाइक वो बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने सोचा कि लाइक मैंने उसे देखा है बनाते हुए पर कभी बनाई नहीं थी, मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ। और बिल्कुल ही मतलब डिज़ास्टर हो गया सच में, मुझे यही नहीं पता था कि पानी कितना डालना है इसमें। तो मेरी जो पोटैटो वगैरह थे वो भी कच्चे रह गए, एंड मतलब बिल्कुल ही ठीक ठाक सी बनी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना भी बंद कर दिया। मैं सोचा काम चला लेंगे अब तो, जो बन रहा है वो खा लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आई फेल्ट लाइक इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो।